हम घोषणा करना चाहते हैं, दैट इज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल माय ब्यूटी बॉक्स, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज हैं या फीडबैक है मेरी वीडियोज के रिगार्डिंग देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बिना देरी करें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद है स्टिल उनको आपके गालों पे और आपके लिप्स को गुलाबी देखना बेहद ही खूबसूरत दिखता है। लाइक अपने लिप्स और अपने चीक्स में थोड़ा सा हल्का सा टिंट, जो वो पिंकिश ग्लो दिखता है वो बहुत बहुत प्यारा दिखता है, वो सभी को बहुत पसंद आता है। बहुत से रेडी टू यूज लिप्स एंड चिक टिंट्स अवेलेबल है मार्केट में, कुछ अफोर्डेबल है कुछ अफोर्डेबल नहीं है। स्टिल जो अफोर्डेबल हैं वो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं वो हार्म कर ही देते हैं आपकी स्किन को। लाइक कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने सुने हैं इसके रिगार्डिंग वो यही है कि अभी तो हम लगा रहे हैं, ठीक है हमने लगा लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मेरी स्किन को डल कर रहा है, वो ब्लैक कर रहा है, वो मेरा नेचुरल ग्लो खत्म हो रहा है। जो हमारे चलो सभी के गुलाबी हो तो जरूरी नहीं है, बट किसी के हैं और वो ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं फॉर जस्ट टू एड ऑन दैट ग्लैमरस लुक, बट वो लगाने से क्या हो गया, उनके स्किन उनके जो लिप्स हैं वो डार्क होने लगे, उनका लिप का जो टोन है वो डार्क होने लग गया है। सो इस टाइप के रिवर्स इफेक्ट को देखते हुए एक मन में बेचैनी एक डर सा रहता है कि यार क्या आप इसको यूज़ ही ना करें, क्या ये सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज़ करना ही बंद कर दो या उसको आप कभी ट्राई ही नहीं करो। वो जो ग्लोई लुक जो आप तब पसंद करते हो, तब बेहद पसंद आता है वो सबको, उसको अवॉइड करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ लेकिन जो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं अगर आपका उन पर से भरोसा उठ चुका है, सो आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू मेक इट वन एट होम, कि कैसे आप घर बैठे ही वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। So the hero of our lips and cheek tint is going to be beetroot. Beetroot के बारे में आप सभी जानते हैं उसके natural color benefits. So why we should not use them? क्यों ना हम उसको use करें? Beetroot will provide you that natural tint on your cheeks and lips, and on the same time it is safe for your skin, जो कि बहुत ही important है। हमें हमारी skin पे वो that natural tint भी मिल जाएगा, वो glow भी मिल जाएगा, साथ के साथ में जो beetroot की bleaching properties है उससे हमें better benefits मिलेंगे अपने skin पे rather than gaining any kind of reverse effect. So आज आपके साथ share करने वाली how to make natural beetroot balm at home. आप इस बीटरूट बाम को अपने लिप्स और चीक्स पे टिंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल बेनिफिशियल पैकेज होने वाला है। हमें लेना है एक छोटा बीटरूट, इसे वॉश करके हम इसको 4 पीसेस में काट लेंगे। अब हम बीटरूट के पीसेस को मिक्सचर जार में डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड ऑन करेंगे जिससे ये अच्छा ग्राइंड हो सके। अब ये एकदम परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है। अब हमें लेना है कंटेनर, पतीला और स्ट्रेनर छन्नी जिसमें हम ये बीटरूट पेस्ट छानेंगे। पेस्ट थोड़ा सा थिक है इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे इसको छानने के लिए। मैं इसको स्पून की हेल्प से अच्छी तरह स्क्वीज कर रही हूँ जिससे अच्छी क्वांटिटी में बीटरूट जूस बने। अब ये एकदम प्योर बीटरूट जूस रेडी है, इसको अब मैं रखने वाली हूँ गैस फ्लेम पर। मैं इसको रखने वाली हूँ मीडियम फ्लेम पर जब तक कि ये नाइस एंड थिक ना हो जाए।
आप इसको बीच बीच में स्पून की हेल्प से अच्छे से स्टर भी करते रहिएगा, जिससे क्या है ना, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम इक्वल रहेगी, लाइक नाइस थिक, और ये भी श्योरिटी रहेगी कि जो जूस है ये अपना चिपक तो नहीं रहा है कहीं। अब हम ले लेते हैं वैसलीन। मैंने ली है 7 फ्लावर वैसलीन, मुझको यही सूट करता है। आपके जो इच्छा हो, जो आपको सूटेबल हो, आप वही वैसलीन ले लीजिएगा। अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें 1 टीस्पून वैसलीन डालेंगे, और इसको मेल्ट करने के लिए हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट के लिए। पास माइक्रोवेव नहीं है या आप माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको गैस पे रख कर भी मेल्ट कर सकते हैं। अब ये एकदम अच्छी तरह से नाइस एंड थिक हो चुका है। अब मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी 1/2 लेमन। मैं लेमन जूस पहले भी ऐड कर सकती थी, बट बॉइलिंग देम में एक्चुअली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन। बॉइल करने से जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, तो विटामिन सी, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता या हो सकता है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। सो एक बार इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो हमारी वैसलीन एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको किसी थिक क्लॉथ या यूटेंसिल की हेल्प से बाहर निकालेंगे माइक्रोवेव से, बिकॉज़ ये बाउल बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो चुका है। सॉरी गाइस, अनफॉर्चुनेटली इससे पहले का जो शूट मैंने किया था, जिसमें मैं वैसलीन को और बीटरूट को एक कंटेनर में डाल रही थी, वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, मुझे नहीं मिल रहा है। सो अभी डायरेक्टली मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ एक साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों का जो हीट लेवल है वो सेम होना चाहिए। अनलेस क्या होगा, अगर एक ठंडा होगा और एक गर्म होगा तो ढंग से मिक्स नहीं हो पाएगा, और शायद वो एक अच्छा बीटरूट नेचुरल बाम बन ही ना पाए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों की क्वांटिटी और इन दोनों का हीट, मतलब इनका टेम्परेचर सेम हो, तो ही ये ढंग से अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद अब हमें इसे छोटी सी डब्बी में डालना है, एक छोटे स्मॉल कंटेनर में डालना है, ताकि अभी ये लिक्विड फॉर्म में है और ठंडे होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तब हमें देखने को मिलेगी बीटरूट नेचुरल बाम। रेगुलर यूज़ करेंगे, और अगर आपके लिप्स डार्क हैं, डल हैं और थोड़े से रूखे सूखे रहते हैं, एकदम कंप्लीट चेंज हो जाएंगे और आपको देखने को मिलेंगे नाइस
रोजी लिप्स। मैं इसलिए नहीं कह रही कि भाई मेरा वीडियो चल जाए, बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी भी वो ही लगा रखा है, अगर आप देख सकें तो। सिंपल मैंने मेरा बीटरूट बाम लगा रखा और कुछ भी नहीं, और इसके मेरे को बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स देखने को मिले हैं अपने लिप्स पे। जो थोड़े से मेरे लिप्स सूखे ज़्यादा रहते थे और गर्मी के टाइम पे तो रहते ही हैं, वो मेरे को अब बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मेरे लिप्स हमेशा मॉइस्चराइज रहते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं रूखे सूखे फटे से अजीब से डल बिल्कुल भी नहीं दिखते, बहुत ही प्यारे दिखते हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं, अभी लग ही रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊंगी एक अमेजिंग अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।